तो अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज के वीडियो में आखिर में जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में, आखिर में पीएम किसान सम्मान निधि का क्या न्यू अपडेट आया है। तो न्यू अपडेट के बारे में जैसे देखिए थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि आखिर में मैं क्या बताने जा रहा हूं, तो इसके बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से हर दिन की तरह एक छोटा सा गुजारिश करना चाहता हूं, अगर अभी डिजिटल चैनल पर आप न्यू है तो अभी डिजिटल चैनल पर आए और लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी दबा दे ताकि आप लोग तक ऐसी नोटिफिकेशन हर दिन पहुंचता रहे। और एनएचडीएल फ्रेंचाइजी लेने के लिए आप यहां से एनएचडीएल पैन या देख रहे हैं, एनएचडीएल पे आए और यहां से एनएचडीएल में कॉन्टेक्ट नंबर भी है, इसमें ऑटोमेटिक है, यहां पे एनएचडीएल फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। तो आपने एनएचडीएल फ्रेंचाइजी के बारे में आपने वीडियो देखा ही होगा और साथ साथ में आज पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में जानेंगे आखिर में न्यू अपडेट क्या आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद लिखेंगे पीएम किसान सम्मान जैसे लिखेंगे पीएम किसान लिखने के बाद आप पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे न्यू अपडेट जानने के लिए हमें सीएफसी लॉगिन करना होगा। जैसे सीएफसी पे लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारा पहले से सीएफसी आईडी एंड पासवर्ड डला था, यानी कि लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे दिख रहा है करेक्ट योर आधार नंबर एंड पीएम किसान, और यहाँ पे फॉर्मर जो फ्रेफ फॉर्मर रजिस्ट्रेशन यानी कि प्रेफ रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन है और नॉलेज एंड द बेनिफिकेशन स्टेटस, तो यानी कि यहाँ पे आप बेनिफिकेशन स्टेटस देख सकते हैं। मेक पेमेंट का आप यहाँ पे एक देख रहे हैं न्यू ऑप्शन से जुड़ा है जो मेक पेमेंट आखिर में है क्या चीज, यहाँ पे आप मेक पेमेंट का भी देख रहे हैं कि यानी कि मेक पेमेंट यानी पेमेंट स्टेटस के बारे में आप जान सकते हैं कि पेमेंट हमें क्या स्ट्रक्चर क्या पे रहा। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि आप मेक पेमेंट पे यहाँ आधार नंबर हम आपको डाल के दिखाएंगे कि मेक पेमेंट का आखिर में मतलब क्या होता है, मेक पेमेंट पे पता क्या चलता है, इसके बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डालने के बाद हम फर्श कर दिए, फर्श करने के बाद आप देख रहे हैं इस तरह से कुछ इंटरफेस आता है, यहाँ पे लिखा रहता है नाम और कंडी फादर्स नेम, और इन चीजों के सारे लिखने के बाद अब यहाँ पे ये डिटेल्स रहता है, यानी कि आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन डेट ये दिखा रहा है कि रजिस्ट्रेशन डेट है। अब आपको ये सारे मेक पेमेंट पे यही दिखाया जा रहा है जो मेक पेमेंट पे ऑप्शन है। तो मेक पेमेंट का आपने देख लिया, मेक पेमेंट में आगे में दिखा रखा रहा है और स्टेटस यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टेटस फॉर्मर के बारे में आप जान सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं। और यहाँ से रिपोर्ट के बारे में आप जान सकते हैं कौन से स्टेट में कितना पीएम किसान सम्मान निधि का योजना के लाभार्थी हैं इसके बारे में आप, और कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है इसके बारे में रिपोर्ट में आप जान सकते हैं। तो दोस्तों आपने आज देखा कि आखिर में पीएम किसान सम्मान निधि में न्यू अपडेट क्या आया, न्यू अपडेट के साथ साथ आप में क्या ऐसा चीज़ें लेके आए कि न्यू अपडेट आपको मिल रहा है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो जरूर आप लोग मेरे चैनल पे आए और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें ताकि आप लोग तक काफी जानकारी मिलते रहे और आपका हर समय हमें सपोर्ट मिलता रहे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपको दोस्तों को भी पता चले कि आखिर में पीएम किसान सम्मान निधि में क्या न्यू अपडेट आया है। अब पैन कार्ड एजेंसी लेने के एनएचडीएल पैन एजेंसी लेने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, एनएचडीएल पैन एजेंसी आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड होगी।